हेलो एवरीवन, ये का क्वेश्चन है द शेप ऑफ XEOO4 XEOF4 बाय वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी के हिसाब से इसका शेप क्या होगा? चार ऑप्शन है आपके पास, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, पेंटागोनल प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल। ओके, तो मैं आपको बता दूं कब कैसा शेप बनता है। अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को स्टेरिक इफेक्ट जानना बहुत जरूरी है। स्टेरिक नंबर जानने से हम लोग को पता चल जाता है कि वो कैसा शेप बनाएगा। जिसका स्टेरिक नंबर 6 होता है और 6 का 6 यहाँ पर बॉन्ड पेयर अगर रहे तो उसका शेप होता है ऑक्टाहेड्रल। ओके, उसका शेप ऑक्टाहेड्रल हो जाता है। अगर स्टीरिक नंबर 6 है और उसमें से 5 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है तो ऐसे स्थिति में वो बनाता है स्क्वायर पिरामिडल। अगर स्टीरिक इफेक्ट 6 है, 4 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो तो ऐसे स्थिति में बनता है स्क्वायर प्लेनर। ये तीन कंडीशन है क्योंकि यहां पर XEOF4 इसका जो स्टीरिक नंबर है, ये यहां पे 6 आता है। अगर किसी को लगता है कि ये 6 कैसे आया तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि इसका स्टेरिक नंबर कैसे 6 होता है। तो एक फॉर्मूला के तहत अगर आप चलोगे तो फॉर्मूला बोलता है स्टेरिक नंबर इक्वल्स टू हाफ इनटू वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम प्लस मोनोवैलेंट एलिमेंट्स। ये फॉर्मूला के तहत ये आप निकाल सकते हो। तो यहां पर हाफ वैलेंसी कितना होता है? सेंट्रल एटम यहाँ पे क्या है? Xe ज़ेनॉन। ज़ेनॉन का एटॉमिक नंबर होता है 54 और इसका जो वैलेंसी होता है वो 8 होता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में इसका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट होता है तो ये 8 हो जाएगा प्लस। और यहाँ पर 4 मोनो एटॉमिक मोनोवेलेंट कंपाउंड जुड़े हुए हैं F4, क्योंकि ये मोनोवेलेंट है। फ्लोरीन इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन का नीड है, इसलिए यह मोनोवेलेंट है। जैसे मोनोवेलेंट में हाइड्रोजन भी हो सकता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब हो सकते हैं। ऑक्सीजन जो है वो डाइवेलेंट है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन और इसको 2 का नीड होता है तो ये डाइवेलेंट होते हैं। तो मोनोवेलेंट का सिर्फ लेना है तो मोनोवेलेंट क्या यहाँ पे संख्या है 4, तो ये हाफ इंटू 12 जो कि आता है 6। तो स्टेरिक नंबर 6 आया तो इसका मतलब ये है, सिंपल सा स्टेरिक इफेक्ट 6 होता है तो या तो इस तीनों में से कोई शेप होगा, या तो स्क्वायर प्लेनर होगा, स्क्वायर पिरामिडल होगा या ऑक्टाहेड्रल होगा। तो यहाँ पर दो ही ऑप्शन आपको दिखता है, एक ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर पिरामिडल। अब क्या है, दोनों कंडीशन 6 का 6 अगर बॉन्ड पेयर हो तभी ऑक्टाहेड्रल होगा। अदरवाइज अगर यहाँ पर दूसरा कंडीशन ऑक्टाहेड्रल होगा जब जब 6 बॉन्ड पेयर होगा। दूसरा कंडीशन क्या है, जब 5 बॉन्ड पेयर हो एक लोन पेयर हो तो स्क्वायर पिरामिडल। तो हम लोग को तो कंफर्म है कि ये बी और डी में से होगा। तो आप इसका स्ट्रक्चर देखो, ये कैसे जुड़ा होता है। ये एक्सी है, ये एफ, ये एफ एंड ये एफ। ये स्टीरिक नंबर इसका 6 होगा तो ये इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp3d2 होगा। ओके, और हाइब्रिडाइजेशन इस तरह से होने की वजह से इसका शेप जो होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा।
तो शायद आपको ये आपको समझ में आ जाए इसका स्ट्रक्चर, जो कि स्क्वायर पिरामिड के तरह का दिखता है। ओके, तो इसका ऑप्शन जो होगा, इसका रीजन भी है, इसका रीजन ये है कि यहाँ पर चार बॉन्ड पेयर तो आपको दिख रहा है, चार बीपी हो रहा है, और ये पांचवा भी बॉन्ड पेयर ही है प्लस वन बॉन्ड पेयर, यहाँ पे डबल बॉन्ड शेयर हो रहा है, बॉन्ड पेयर ही है ये, डबल बॉन्ड के लिए है, तो टोटल हो गया फाइव बॉन्ड पेयर, और यहाँ पर आपको एक लोन पेयर दिख रहा है, तो वन लोन पेयर। तो ऐसे स्थिति में जो बनेगा उसका शेप यहाँ पे मैंने जैसा कि शुरू में बताया स्क्वायर पिरामिड, तो बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। That's all. Thank you.